मैं लेके आई हूँ बच्चों के रूम का टूर। मेरे को किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप अपने बच्चों का रूम दिखाइए, तो फाइनली मैंने सोचा आज एक ब्लॉग बना देती हूँ बच्चों के रूम का। तो ये है मेरे बच्चों के रूम का एंट्रेंस और यहाँ से शुरू होता है। तो गेट के बिल्कुल एक साइड के अंदर मैंने रखी है ये टेबल, बच्चों की स्टडी टेबल, और इसमें ये ड्रॉर बने हैं, तो इसमें बच्चों ने बुक रख रखी है, तो इधर बुक रखी है। और ये एक मैं ये निकालने की सोच रही थी क्योंकि मुझे ये कम पसंद है, फिर एक बार तो मैंने इसमें गिलास लगवा दिए हैं क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा लेता है और सामान इसमें कम आता है। कोई बात नहीं, एक बार तो पड़ा है, फिर चेंज करूँगी तब देखेंगे। तो इसमें रख दिए बच्चों की बुक्स, और वैसे गंदा भी नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। और बुक्स रखी है, ये स्टडी टेबल है, और ये चेयर नीचे रखी है बच्चों की डस्टबिन, जो कचरा होता है बच्चे इसमें डाल देते हैं। और ये बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो लैपटॉप, ये डायरी है, और ये दो टिन बॉक्स हैं, बच्चों ने कोई अपना छोटा छोटा स्टडी का सामान ही रखा है। और ये जो किंडो जॉय में निकलते हैं ना बच्चे अपने किड्स, जो कोई छोटा सामान है वो संभाल के रखते हैं। और ये वाली ये पेंट की छोटी छोटी बोतल खाली हो गई थी तो बच्चों ने इधर अपनी सजा ली। और वैसे बच्चे भी मदद करते हैं मेरी घर को डेकोरेट करने में, ये इन्होंने बच्चों ने स्टेशनरी सामान रखा है अपना। और इधर ये वाला, ये भी मेरी बेटी लेके आई थी लोकल शॉप से, बोली मम्मी मेरे को अच्छा लग रहा है, तो ये बच्चों ने इधर रखा है अपनी स्टडी टेबल पर। ये वाला किसी ने गिफ्ट दिया मेरे बच्चों को, तो ये भी एक अच्छा पीस है, अच्छा लग रहा है, इधर रख दिया। अब ये भी एक छोटी टेबल है बच्चों के पढ़ने की भी, बच्चे नीचे बैठकर पढ़ते हैं तो इसी से पढ़ते हैं। और ये एक बोर्ड लगा रखा है, बच्चे अपने स्टडी करते हैं। और ये है बच्चों की वार्डरोब, तीन बच्चे हैं मेरे, तीनों ने अपने कपड़े रख रखे हैं। और ये ड्रेसिंग है, इसमें भी सामान रखा है, कभी ड्रेसिंग के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसीलिए ये सीक्रेट रखा है मैंने। तो ये है ड्रेसिंग, इसके ऊपर भी मैं अपना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और ये कोने में गिलास दिए हुए हैं छोटा मोटा सामान रखने के लिए, जैसे बच्चों ने अपना कोई डेकोरेट पीस से डेकोर कर रखा है। और ये भी नहीं कि पूरा घर है, ये खुद मैं डेकोरेट करती हूँ, बच्चे भी मेरा साथ देते हैं डेकोरेट करने में। और ये भी किसी ने बच्चों को गिफ्ट दिया है, बच्चे बाहर लेके जाते हैं तो इसको इसमें अपना सामान लेके जाते हैं। और ये सब बच्चों का ही सामान है, वॉच वगैरह रखी हुई है, और इसी में इनका सामान रखा हुआ है बच्चों का। अब इधर आते हैं, ये बेड है, ये बेड मेरा पुराना है, दो रूम है उनमें मेरे बेड लगा हुआ था जब ये घर हमने खरीदा था कल, और ये बेड हमारा पुराना है। और ये बेड इधर से ओपन भी होता है, पूरा खुला है। और ये वाली पेंटिंग मेरी बेटी ने की है, बहुत अच्छी है, ये मैंने फ्रेम नहीं करवाई है, अब फ्रेम कर दूंगी, और कहाँ लगाऊंगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये बच्चों ने अपना खेलने के लिए क्रेम बोर्ड रखा है। और ये है मेरी बेटियों की फ़ोटो, ये भी मेरे जो ये बॉक्स हैं ऐसा ही वुड में हमने, ये फ्रेम है जो वुड का है, तो मुझे ये वुड का जो बनी हुई चीज़ है वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी इसके एकदम सेम टू सेम मैच कर रही है। और ये है एक शोपीस, ये गिलास का है, इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर डाले हुए हैं, और इसमें भी बच्चों ने अपना अपना सामान रखा है। ये वॉच लगी हुई है, ये छोटी छोटी बटरफ्लाई बना के बच्चों ने लगा दी हैं। और
ये लाइटिंग है, ये भी मैं दिवाली पर लेकर आई थी, बच्चों ने ये इधर लगा दिया है अपने रूम सजाने के लिए। और इस रूम में थोड़ी लाइटिंग कम आती है तो मैंने ये खिड़की ओपन रखी है। तो ये है बच्चों का बेड, और अब इधर आते हैं साइड में। तो ये भी एक सेम टू सेम वैसा ही बॉक्स है, इस पर मेरे बेटे की तस्वीर रखी है, ये साईं बाबा की है। और ये भी एक पोट है, और इसमें डाली है सिकरी, फ्लावर्स, सब कलर कर करके। और ये भी हमने घर पे ही कलर किया है। ये वाली तीनों मेरे बच्चों की तस्वीर है, और बिल्कुल सिंपल लुक है। और ये दो मुड्डे बनाए हुए हैं, और ये कवर मैंने खुद बनाया और ये लगा दिया। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल है, प्लांट, इंडोर प्लांट है, बच्चों ने इधर रखा है। और ये मैंने अमेजोन से परचेज की है, बहुत सेल्फ है, ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सिंपल सी, वो भी थोड़ी सी। और ये एक आर्टिफिशियल फ्लावर डाला हुआ है, इसमें स्टोन डाल दिए हैं। और ये एक और ही फ्लेम का क्रीम का छोटा बॉक्स खाली हो गया था तो हमने इधर लगा दिया। ये भी छोटे छोटे टॉयज हैं, और ये भी एक सिरोमिक का है, इसमें ऐसे ही सजावट के लिए रख दिया। और ये ऑयल की बॉटल खाली हुई थी तो इधर बच्चों ने डेकोरेट करके रख दी, और अच्छी लग रही है। ये अलार्म घड़ी है, और ये गणेशा की फ़ोटो बच्चों के रूम में लगाई हुई है। बच्चों के रूम में गणेशा की फ़ोटो वास्तु के लिए अच्छी होती है, क्योंकि गणेशा जी बुद्धि के दाता हैं, तो मैंने लगा दी। और ये भी एक सिरोमिक का ही है, और ये बच्चों ने अपना टॉयस रख दिया, तो ये बॉल बहुत अच्छी लग रही है। और ये है मेरा बच्चों का पूरा रूम, और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने डेकोरेट किया है। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय फ्रेंड।